तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नमस्ते भारत। आगे बढ़ेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तरकाशी में फंसे मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। टनल के अंदर पाइप्स को भेजा जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो मजदूर हैं उन्हें बाहर निकाला जाए। 10वां दिन हो गया है और 10वें दिन भी बचाव का काम जारी है। 41 लोगों को बचाने की जो हर संभव कोशिश है वो की जा रही है और सुरंग में फंसे मजदूरों की पहली तस्वीर भी सामने आई है। आज फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। आपको बता दें कि 12 नवंबर से सुरंग में 41 मजदूर फंसे हुए हैं और ये तस्वीरें अब सामने आई है टनल के अंदर फंसे मजदूरों की। ये वही 41 मजदूर हैं जो 12 नवंबर से इस टनल के अंदर फंसे हुए हैं। 10 दिन बीत गए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन भी 10 दिन से चलाया जा रहा है, लेकिन अभी भी किसी तरीके की सफलता हाथ नहीं लगी है प्रशासन को। और ये तस्वीरें अब देखिए जारी हुई है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं जो मजदूर 41 इनकी संख्या है जो टनल के अंदर फंसे हुए हैं और राहत बचाव का काम आज 10वें दिन भी जारी है। लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो चलाया जा रहा है और तेज किया जा रहा है। आधुनिक मशीनों को मौके पर लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से किसी भी हालत में इन मजदूरों को बाहर निकाला जाए। और अब इनका ये जो वीडियो है ये भी सामने आया है। हालांकि जो मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, उनका ये कहना है कि जो सभी मजदूर हैं वो सुरक्षित हैं, उनसे संपर्क किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है और जल्द ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो पूरा हो जाएगा। लेकिन उससे पहले टनल के अंदर की ये तस्वीरें आप देखिए। टनल के अंदर फंसे ये मजदूर हैं। सिल्कियारा सुरंग जहां पर ये मजदूर हैं वो फंसे हुए हैं। कितनी लंबाई है इसकी? 4.5 किलोमीटर की इसकी लंबाई है। 854 करोड़ की लागत है। NH 134 पर ये मौजूद है और आप देखिए 6 इंच पाइप के जरिए जो है इन तक खाना पानी पहुंचाया जा रहा है ताकि जो मजदूर है सुरक्षित रह सके। 10 दिन से ये 41 मजदूर हैं, ये टनल के अंदर फंसे हुए हैं। 12 नवंबर के दिन टनल धंसी, जिसके बाद जो मजदूर थे वो टनल के अंदर फंस गए थे और तभी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जो रेस्क्यू टीमें हैं मौके पर मौजूद हैं और तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 10 दिन बीत गए हैं लेकिन अभी तक सफलता क्यों नहीं मिल पा रही है। तमाम दावे किए जा रहे हैं कि आधुनिक मशीनों को मौके पर लगाया गया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जो टीमें हैं वो भी मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक ये सफलता नहीं मिल पाई है। तो ये टनल के अंदर की तस्वीर आप देख रहे थे जहां पर ये 41 मजदूर फंसे हुए हैं। देखिए पेचीदगियां हैं, चुनौतियां हैं, लेकिन लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन टीम अपना काम जारी रखे हुए है। उम्मीद है, आश्वासन दिया जा रहा है कि जल्द ही इन मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीर, सबसे पहली तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त एबीपी न्यूज पर। यह तस्वीर है इस सुरंग के अंदर की जहां पर फंसे हुए हैं 41 मजदूर। देखिए इस सुरंग के ऊपर है मलबा और मलबा है 60 मीटर का, जिस पर लगातार वहां पर ड्रिलिंग करने का काम, खुदाई करने का काम चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी जो प्राथमिकता है वो ये है कि हर एक मजदूर की जान बच पाए और इसीलिए बहुत ही बारीकी के साथ यहां पर काम किया जा रहा है। 6 फ्रंट ऑपरेशंस के जरिए ये जो टीमें हैं ये वहां पर लगी हुई हैं कि हमें इन मजदूरों को बाहर निकालना है। कोशिश है कि ये जो मलबा है, ये जो सुरंग है, इसे लेफ्ट साइड से, राइट साइड से ड्रिलिंग करके और तमाम 6 फ्रंट ऑपरेशंस का प्रयोग करके बाहर निकाला जाए इन तमाम मजदूरों को। उन सभी चुनौतियों को पार करने की कोशिश यहां पर लगातार टीमों के जरिए की जा रही है। ये कुछ तस्वीरें हमने आपकी टीवी स्क्रीन पर रखी हैं, जिसमें 12 नवंबर से लेकर आज तक की आप तस्वीर देखेंगे और समझेंगे कि अब तक ये काम किस तरीके से हुआ है, काम कितना आगे पहुंचा है। 12 नवंबर को जब ये जो मजदूर हैं 41 मजदूर ये सुरंग के अंदर फंसे, उसके बाद 13 नवंबर को किस तरीके से रेस्क्यू टीमों ने अपना काम आगे बढ़ाया, 14 नवंबर, फिर 15 नवंबर, कुल मिलाकर इन तमाम 10 दिन की तस्वीरों के जरिए आप ये स्थिति समझिए। कोशिश तो लगातार चल रही है, आश्वासन दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मामले को लेकर नजर बनाए हुए हैं। वो खुद उन्होंने बात की है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से और प्राथमिकता, प्रायोरिटी, जैसा कि मैंने आपको बताया, यही है कि हर एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन तब तक के लिए जो तमाम जरूरी सामान है, यानी कि खाने पीने का, ऑक्सीजन का, उसे लगातार पाइप के जरिए इन मजदूरों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू। पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।